नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि बायोलॉजी का एक चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे जीव में होते हैं जिसमें नस नहीं पाया जाता, जो बिना नस के होते हैं। उसमें बिना नस नहीं होता है तो बिना नस के प्रेशर भी नहीं होगा। जिसका खून गाढ़ा होता है और उस जीव के पास बाह्य कंकाल होता है, जैसे कि तेलचट्टा हो गया, घोंघा हो गया। इसके पास जो होता है खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण खून गाढ़ा होता है और उजला टाइप का होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसके पास बाह्य कंकाल होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट समझते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये स्तनधारी में होता है, मैमल्स हो गया, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, जो भी है, और ये सब के पास क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें नस होता है और नस रहने के कारण ब्लड प्रेशर भी होता है। नस में ही प्रेशर होता है और समानता जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/18 होता है। और एनेलिडा केचुआ में भी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट आइए दोस्तों समझते हैं मिक्स्ड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स्ड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा होता है कि कुछ हिस्से में नस होता है और कुछ हिस्से में नस नहीं होता, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया। इसलिए मछली को जब हम काटते हैं तो जिस हिस्से में नस नहीं रहता है तो उसका दराग से खून बाहर निकल जाता है और कुछ हिस्से में खून नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई नस काटता है तो उस नस से ही खून निकलता है और धीरे धीरे वो निकलते रहता है। इसलिए और जिसमें नस नहीं होता है उसका पूरा खून निकल जाता है कहीं भी कटने पर। ठीक, नेक्स्ट आइए समझते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी, ब्लड किस होकर के फ्लो करता है। तो दो टाइप के नस होते हैं हमारे शरीर में, एक तो होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स। आर्टरीज को धमनी कहते हैं और वेन्स को सिरा कहते हैं। आर्टरीज में स्वच्छ खून बहता है, आर्टरीज में शुद्ध खून बहता है। शुद्ध खून कहने का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन इसके साथ बहता है। और वेन्स में क्या होता है, सिरा में ऑक्सीजन नहीं बहता, इसमें CO2 इसके साथ बहता है, इसलिए उसको अशुद्ध खून कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आर्टरीज है, आर्टरीज मतलब ए ग्रेड खून, ए से आर्टरीज, आर्टरीज मतलब ए ग्रेड खून मतलब शुद्ध खून। या फिर धमनी है, ध से धन होता है, धनी लोग स्वच्छ रहते हैं तो इसलिए इसको कहेंगे शुद्ध खून, आर्टरीज में शुद्ध खून बहता है। ठीक है दोस्तों, ये लाल रंग का होता है और सिरा जो होता है हल्का ब्लू या हरा होता है। ठीक है, और धमनी में क्या होता है दोस्तों, हार्ट से बॉडी की ओर जाता है। धमनी में क्या होता है, हार्ट से बॉडी की ओर जाता है खून, मतलब शुद्ध खून लेकर के हार्ट से बॉडी को पहुंचाता है धमनी, आर्टरीज। और सिरा क्या काम करता है, शरीर से बॉडी से लेकर के हार्ट को देता है शुद्ध करने के लिए, मतलब सीधा भैंस जो होता है बॉडी से लेकर के हार्ट को पहुंचाता है भैंस। आर्टरीज में क्या होता है, प्रेशर, आर्टरीज का प्रेशर 120 होता है, आर्टरीज का प्रेशर 120 होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हार्ट जो है बॉडी को पहुंचाता है, बॉडी को पहुंचाने के लिए प्रेशर अधिक रहना चाहिए, तभी जो है सो पूरे शरीर तक पहुंच पाएगा। तो आर्टरीज में प्रेशर 120 होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वॉल्व लगे होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व लगे रहने के कारण ये होता है कि जो है खून रुकता नहीं है। वॉल्व लगा है, जहाँ प्रेशर कम हुआ वहीं रुक गया, फिर पीछे वाला जो है सो प्रेशर देता है तो खून आगे बढ़ते रहता है। प्रेशर 120 हो गया, इस आर्टरीज में वॉल्व नहीं लगा रहता है और
सिरा में क्या होता है, सिरा में वल्व लगा हुआ रहता है। आर्टरीज की गहराई होती, गहराई में होता है, आर्टरीज में क्या होता है, गहराई में होता है और शरीर के ज़्यादा अंदर में होता है। और वेंस क्या होता है, शरीर के ऊपरी भाग में होता है। डॉक्टर सब वेंस में ही सिरा लगाते हैं क्योंकि यह त्वचा के अंदर ही दिखने लगता है, हरा टाइप का नस रहता है, हरा टाइप का हल्का ब्लू टाइप का नस रहता है जिसको सिरा कहते हैं। डॉक्टर सब इसमें सुई लगाते हैं। तो सिरा में क्या होता है दोस्तों, सिरा में वल्व होता है और आर्टरीज में, धमनी में वल्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक अपवाद है कि आर्टरीज मतलब धमनी में एक अपवाद है कि फुसफुस धमनी जो होता है वो एक अशुद्ध रक्त ले जाता है, और इस सिरा का भी एक अपवाद है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है, इसमें भी फुसफुस धमनी होगा दोस्तों। फुसफुस सिरा क्या होगा, फुसफुस सिरा में, फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। डॉक्टर सब भैंस में सुई लगाते हैं, मतलब सिरा में सुई लगाते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्तों, आगे समझते हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है विषम तापीय, शीत शीत रक्तीय जो होता है उसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। और इसका टेम्परेचर जो होता है बदलते रहता है, टेम्परेचर घट बढ़ जाता है मौसम के अनुसार। और वार्म ब्लडेड में क्या होता है कि इसका समतापीय होता है, एक ही टेम्परेचर पर रहता है, गर्म रक्त होता है, टेम्परेचर कंस्टेंट होता है। जैसे कि मनुष्य को अगर गर्मी में भी देखिएगा तो 97-98 के फॉरेनहाइट में रहता है, तो ठंडी में भी उतना ही रहेगा। जैसे स्तनधारी हो गया, पक्षी हो गया, ये सब वार्म ब्लडेड है, इसका टेम्परेचर कंस्टेंट रहता है। जैसे पक्षी के पंख होते हैं, वो पंख के कारण जो है उसका टेम्परेचर कंस्टेंट बनाए रहता है, ठंडी हो या गर्मी हो। कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है, टेम्परेचर बदलते रहता है। जैसे मछली का हो गया, मेढक का हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, इसमें रेप्टाइल आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, ये सभी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट आइए समझते हैं दोस्तों रक्त मार्ग को हम। रक्त मार्ग, रक्त जो है हमारे शरीर में जाता कैसे कैसे है। हृदय सबसे पहले महाशिरा जो होता है, महाशिरा से अशुद्ध खून आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो हृदय को जाता है। ठीक है दोस्तों, हृदय से वो फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा शुद्ध करके ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन युक्त खून जो होता है वो महाधमनी को दे देता है। महाधमनी सबसे मोटी धमनी होती है। महाधमनी क्या होती है, सबसे मोटी धमनी होती है। उसके बाद जाता है धमनी में, ये उससे थोड़ी पतली होती है, और छोटी धमनी पतली होती है। उसके बाद जाता है कैपिलरी क्या होता है दोस्तों, कैपिलरी जो होता है यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध खून मिलते हैं, और सबसे पतली नस होती है। जैसे कि आँख की नस देखते होंगे लाल टाइप का होता है, आँख की पतली नस जो कि लाल टाइप की होती है उसे ही कैपिलरी कहते हैं, केशिका इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से खून अशुद्ध खून निकलता है और छोटी सिरा में जाता है, छोटी सिरा से सिरा में जाता है, और सिरा से महासिरा में जाता है, फिर जाता है हार्ट में। तो इस तरह से मेरा ब्लड साइकिल चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हार्ट के चैम्बर के बारे में समझते हैं। हार्ट के चार चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्ट के चार चैम्बर होते हैं। पहले देखते हैं ऊपर के चैम्बर, जैसे ये जो होता है हार्ट शंकु आकार का होता है। कैसा होता है, शंकु आकार का होता है। तो हार्ट जो होता है शंकु आकार का होता है। ऊपर के भाग को, ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, आर्ट्रियम कहते हैं। इसमें पंप नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें पंप नहीं किया जाता है। और प्रेशर इसका 80 होता है। और नीचे वाले भाग को इसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, नीले कहते हैं। ये पंप करता है, खून को पहुंचाता है, पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है वेंट्रिकल।
इसका प्रेशर जो होता है 120 होता है। इसका प्रेशर कितना होता है दोस्तों? 120 होता है। हृदय के दीवारों की परत जो होता है तीन परत के होते हैं। कितने परत के होते हैं दोस्तों? तीन परत के होते हैं इसके दीवार। हृदय जो होता है किस चीज़ से बना होता है? हृदयक पेशियों से बना होता है और पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। हृदय जो होता है पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। हृदय का भार कितना होता है दोस्तों? हृदय का भार 300 ग्राम का होता है। हृदय का भार 300 ग्राम का होता है। और हृदय का आकार शंकु आकार का होता है या बक्ष गुहा से, मतलब जो होता है बक्ष गुहा छाती से हल्का बाईं ओर होता है। हृदय क्या है तो एक पंपिंग मशीन है। पंपिंग मशीन है जो कि पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है। इस तरह से देखिए दोस्तों, दाहिने आलिंद में CO2 वाला अशुद्ध रक्त जो होता है आता है, उसके बाद चले जाता है दाहिने भैंस में, दाहिने नीलय में जाता है, और ये दाहिना नीलय जो होता है फेफड़ा को फेफड़ा में भेज देता है, और वो फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन मिला देता है तो शुद्ध खून हो जाता है, और शुद्ध खून जो होता है वो फिर चले जाता है लेफ्ट आलिंद में, बायां आलिंद में चले जाता है, लेफ्ट RTM में चले जाता है। उसके बाद ये होता है इस तरह से नीचे आता है और ऑक्सीजन जो होता है यहाँ से पंप कर देता है, ऑक्सीजन पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, बायां नीलय जो होता है पूरे शरीर में खून को भेज देता है ऑक्सीजन युक्त जो रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बीच में जो लाइन है यही इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इधर वाले भाग को कहते हैं ट्राइकोस्पिड वाल्व कहते हैं। ये इस तरह का वाल्व होता है दोस्तों। इसमें ये आने वाला जो होता है एक वाल्व लगा होता है, ट्राइकोस्पिक वाल्व होता है, जिसमें सिर्फ आता है और जाता नहीं है। इधर को कहते हैं ट्राइकोस्पिक वाल्व, जो कि दाहिने आलिंद और दाहिने नीलय को जोड़ने वाले को कहते हैं ट्राइकोस्पिक वाल्व, और बायां आलिंद और बायां नीलय को जोड़ने वाला जो ये वाल्व होता है इसको कहते हैं बाइकोस्पिक वाल्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हार्ट अटैक कैसे आता है। कोरोनरी साइनस एक नस होता है जिसके द्वारा खून जो है हृदय अपने आप को खून लेता है, क्योंकि शरीर के हर एक पार्ट को खून की ज़रूरत होती है, तो हृदय जो होता है इसी नस के कोरोनरी नस के द्वारा ही खून लेता है। जब हम तैलीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं तो उसमें क्या होता है, फैट ज़्यादा जमता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिसके कारण कोरोनरी नस में क्या होता है, ये तीन नस होते हैं जिसके शरीर हृदय के अंदर खून जाता है, अपने आप को खून लेता है, तो उसमें जो होता है पाइप के अंदर नस के अंदर जो होता है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने के कारण वो चौक करने लगता है हृदय को, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। हृदय की चैम्बर की परत सबसे मोटी होती है लेफ्ट नीले बायां नीले। ठीक है दोस्तों, सबसे मोटी परत किस में होगा? तो सबसे मोटी परत जो होगा लेफ्ट नीले होगा, यही है लेफ्ट नीलय। यही क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि यही जो है प्रेशर से जो है खून को पूरे शरीर में भेजता है। ठीक है दोस्तों, यही जो है प्रेशर से पूरे शरीर में भेजता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है 120 होता है। ये राइट आलिंद हो गया, इसमें CO2 आता है, ये इस तरह से जाता है फेफड़ा को शुद्ध करता है, और इस तरह से आता है और ये चले जाता है। इसमें अपवाद आपको बताए थे फुसफुस धमनी क्या होता है। धमनी जो होता है पेलीमुलरी आर्टरीज इसी को कहते हैं दोस्तों। इसमें आर्टरीज में क्या होता है, शुद्ध रक्त आना चाहिए। पेलीमुलरी में क्या होता है कि
शुद्ध रक्त आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो होता है CO2 युक्त आ रहा है, जिसके कारण ये अपवाद हो जा रहा है। और यहाँ पर ये यही अपवाद है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन आता है, ये पेलीमरी वेंस जो होता है, पेलीमरी वेंस फुसफुस सिरा, इसमें सिरा में तो अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त जो होता है हृदय में जाता है, इसको फुसफुस सिरा कहते हैं। यही एक अपवाद है दोस्तों। अब ये राइट आलिंद, दाहिने आलिंद में साइनो एट्रियम नोड होता है, साइनो एट्रियम नोड होता है, SAN जिसको शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों। इसमें जो होता है करंट होता है, 2 वोल्ट का करंट होता है। इसलिए जब कोई मरीज हार्ट धड़कन नहीं होता है तो उसको झटका दिया जाता है, तब जो है उसमें धड़ फ्लो होता है। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा चैम्बर, हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायना नीले होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, सबसे बड़ा चैम्बर यही होता है दोस्तों। हृदय का बिजली घर किसको कहते हैं दोस्तों? साइनो एट्रियम नोड को, SAN को कहते हैं बिजली घर। यह खराब हो जाने पर पेसमेकर लगाया जाता है, पेसमेकर लगाया जाता है खराब हो जाने पर, तब जो है सुरक्त का फ्लो होता है। अब आइए दोस्तों ब्लड प्रेशर के बारे में समझते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल BP जो होता है 120/180 होता है। सिस्टोलिक में क्या होता है? हार्ट सिकुड़ता है। सिस्टोलिक में क्या होता है? हार्ट सिकुड़ता है, मतलब जब सिकुड़ेगा, जब मान लीजिए कोई फुक्का उसमें से हवा निकल गया तो वो सिकुड़ गया, तो सिकुड़ गया मतलब ब्लड को बाहर फेंक दिया। जब हृदय से खून निकल जाता है तो उसी को सिस्टोलिक कहते हैं, मतलब खून जो निकल करके पूरे शरीर में पंप करता है, और पंप करता है तो वह प्रेशर से करता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है उसमें, 120 प्रेशर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको सिस्टोलिक कहते हैं। और डायस्टोलिक कहते हैं जब फैलता है, यानी फूलता है हृदय, जब फूलता है तो उसमें ब्लड वापस आता है, ब्लड वापस आता है तो उसमें प्रेशर नहीं लगा रहता है, और उसमें सिर्फ 80 प्रेशर होता है। और जब बाहर जाता है तो उसमें सिस्टोलिक होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, 120 होता है। तो इसी तरह BP जो होता है, BP सिस्टोलिक/डायस्टोलिक होता है, और सिस्टोलिक ज़्यादा होता है 120, और डायस्टोलिक कम होता है 80। अब हाई प्रेशर के बारे में समझते हैं दोस्तों। हाई प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ये नॉर्मली 140/90 या 150/90 मिलीमीटर मरकरी होता है, मरकरी से मापा जाता है। और हाइपरटेंशन, हाई प्रेशर कैसे आता है? ये नॉर्मल से देख रहे हैं ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए इसको हाई प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन आता है कैसे है? तो ज़्यादा एसिडिक खाने से, साल्टी चीज़ खाने से, और टेंशन ज़्यादा लेने से BP आता है। BP में ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है, क्योंकि ब्रेन में जो होता है ज़्यादा पतली पतली नसें होते हैं, जिसके कारण ज़्यादा BP होने से नस फटने का खतरा बना रहता है, तो हाई BP के कारण ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है। अब आइए दोस्तों समझते हैं लो BP के बारे में, जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं। लो BP में क्या होता है? 120 से कम हो जाता है सिस्टोलिक जो होता है, कम हो जाता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 से कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इसको नॉर्मली 90/60 भी माना जाता है। और यह क्षारीय वस्तु ज़्यादा खाने से लो प्रेशर होता है, जिसको तीखा या ब्लड की कमी होने से भी लो प्रेशर आता है। BP को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर से BP मापते हैं। ठीक है दोस्तों, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि जो होता है BP को कंट्रोल करता है। थायराइड जो होता है मेल में कम पाया जाता है, BP
थायराइड जो होता है बीपी को घटाता है, बीपी को घटाने वाला ग्रंथि होता है थायराइड होता है, जो कि मेल में कम होता है, जिसके कारण मेल का बीपी घटता नहीं है जल्दी, और फीमेल में अधिक होता है, जिसके कारण फीमेल का बीपी घटा रहता है। ठीक है दोस्तों, और बीपी कम आता है तो कम रहता है तो गुस्सा कम आता है फीमेल को। और एड्रिनल ग्रंथि जो होता है किडनी के ऊपर होता है, ये बीपी को बढ़ा देता है, एड्रिनल ग्रंथि बीपी को बढ़ा देता है। तो बीपी को कंट्रोल करने वाला ग्रंथि कौन कौन है, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि है। अब आइए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के देखते हैं। ट्रेडिमिनल टेस्ट और बायपास सर्जरी, ट्रेडिमिनल टेस्ट और बायपास सर्जरी जो होता है हृदय से जुड़ा हुआ चीज़ है, हृदय संबंधी चीज़ है, और विश्व में प्रथम हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियम बर्नार्ड ने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियम बर्नार्ड ने किया था प्रथम हृदय ट्रांसप्लांट। हृदय की धड़कन मापते हैं, स्टेथोस्कोप से मापते हैं, डॉक्टर जो है लबडब की आवाज़ सुनता है, लबडब की आवाज़ सुनता है स्टेथोस्कोप से, और 1 मिनट में कितने स्पीड से हार्ट जो है धड़क रहा है स्टेथोस्कोप से डॉक्टर मापता है। इसमें वर्क कैसे करता है, प्रतिध्वनि पर काम करता है, मतलब इकोसिस्टम पर काम करता है। अगर फिजिक्स में देखें तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर भी आवाज़ काम करता है, बायोलॉजी में इको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 5.5 लीटर ब्लड को अंदर ले जाता है 1 मिनट में हृदय, और एक बार धड़का मतलब 700 ml ब्लड ले गया हृदय में, एक मिनट में 5.5 लीटर, और एक बार में 70 ml, और 1 मिनट में हृदय जो है 72 बार धड़कता है। अब आइए हृदय के बारे में समझते हैं। मछली में 2 चैम्बर होते हैं, मछली में पीसेज में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, आलिंद और निलय। ठीक है दोस्तों, और उभयचर जो भी होते हैं, उभयचर जैसे मेढक सरीसृप मछली सॉरी छिपकली हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, सरीसृप जो कि उभयचर जो होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं उभयचर में। इसका एक अपवाद है दोस्तों, सरीसृप जो है मगरमच्छ हुआ और घड़ियाल हुआ, जिसके 4 चैम्बर होते हैं, ये सरीसृप में आते हुए भी इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ये अपवाद में है दोस्तों, याद रखिएगा। और स्तनधारी हो गया, पक्षी हो गया, इस सब में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, गाय भैंस कुत्ता वगैरह जो भी स्तनधारी हैं सब में 4 चैम्बर होते हैं। और वार्म ब्लडेड जो भी होंगे, समतापीय खून वाले जो भी जीव होंगे, जिसमें 4 चैम्बर होंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।